हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग लाइफ स्पैन का कुछ पार्ट बाकी था उस पर आ गए हैं। लाइफ स्पैन डिपेंड्स अपॉन, लाइफ स्पैन जो है ना, इन चार फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। पहला है हैबिटेट ऑफ ऑर्गेनिम्स, कोई भी जीव का आवास का कहाँ है, किस आवास में रहता है, किस जगह रहता है, उस पर डिपेंड करता है। फिजियोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिम्स, उसके बॉडी के भीतर फंक्शनल पार्ट क्या है, उसका बॉडी के भीतर फिजियोलॉजी क्या है, इसके बॉडी के अंदर क्रिया कैसे होती है, मेटाबॉलिज्म वगैरह सब आएगा फिजियोलॉजी में। और तीसरा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी उसका कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना जटिल है, कितने सेल का बना हुआ है। और जेनेटिक मेकअप ऑफ द ऑर्गेनिम्स, मतलब जीन की बनावट कैसी है उसकी। हैबिटेट ऑफ द ऑर्गेनिम्स, आवास कहाँ है। फिजियोलॉजी ऑफ द ऑर्गेनिम्स, बॉडी के फंक्शन के बारे में। बॉडी का कॉम्प्लेक्सिटीज, बॉडी की बनावट। और जीन की बनावट चार फैक्टर्स पर निर्भर करेगा ये लाइफ स्पैन। अब दूसरा स्टेप हम लोग ले रहे हैं, इसका लास्ट स्टेप है लाइफ स्पैन का। लाइफ स्पैन चार स्टेजेस में कंप्लीट होता है। ह्यूमन में हम लोग देख रहे हैं किशोरावस्था, जुवेनाइल स्टेज, 10-11 साल की उम्र ह्यूमन में जुवेनाइल स्टेज होता है। उस स्टेज में ऑर्गेनिम्स प्रिपेयर फॉर रिप्रोडक्शन, कोई भी जीव इस जुवेनाइल स्टेज में अपने बॉडी को तैयार करता है प्रजनन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। समझ में आ गया होगा। एनिमल्स में इसको ग्रोथ फेज कहेंगे और प्लांट्स में वेजिटेटिव फेज कहा जाएगा इसको। दूसरा, अब जुवेनाइल फेज जो है ना, वही कन्वर्ट हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज में। अब हम लोग रिप्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाते हैं, इसको मैच्योर स्टेज भी कहते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, सिर्फ रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है, मतलब कि कोई भी जीव बेबीज उत्पन्न करता है। अब रिप्रोडक्टिव स्टेज के बाद धीरे धीरे शरीर के फिजियोलॉजी कम होने लगते हैं, मेटाबॉलिज्म भी कम हो जाएगा, बॉडी में डिटोरिएशन होने लगेगा, डिटोरिएट करने लगा बॉडी, सेल्स मरने लगेंगे, और उसको हम लोग कहेंगे बुढ़ापा अवस्था अथवा ओल्ड एज कहेंगे, है ना, एजिंग उसी को कहा जाता है। और इसके बाद जो है ना, सीधे डेथ, मृत्यु होती है, एंड ऑफ लाइफ, लाइफ ख़त्म हो जाती है। और इस तरह लाइफ स्पैन भी अभी हम लोग समाप्त कर लिए। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं इसका, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इसका हम लोग कैरेक्टर देखेंगे। समझ में आ गया होगा, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना, वो यूनिपेरेंटल है, मतलब कि इस रिप्रोडक्शन में एक ही पेरेंट भाग लेगा, दो पेरेंट भाग नहीं लेंगे। ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वन पेरेंट ओनली, जो भी बच्चे पैदा होंगे उसमें एक ही पेरेंट भाग लेगा। कोई गैमिट फॉर्मेशन नहीं, नो गैमिट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, गैमिट नहीं बना, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगी। और इस तरह जो बच्चे उत्पन्न होंगे वो आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू देयर पेरेंट्स। वो जो बच्चे होंगे वो पेरेंट के समान भी होंगे और एक दूसरे के समान भी रहेंगे, पेरेंट के समान भी होंगे और एक दूसरे के समान भी होंगे। हो गया ये। हम लोग जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो ये सब बात जो है ना थोड़ा और क्लियर होगा कि कैसे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो जीव उत्पन्न होता है वो एक दूसरे के समान क्यों होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द्वारा जो ऑफ स्प्रिंग बनते हैं वो एक दूसरे से भी डिफर करेंगे और अपने पेरेंट्स से भी डिफर करेंगे, ठीक है। और ये रैपिड प्रोसेस है, तेज़ी से हो जाता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी।
चलिए हम लोग और देखते हैं। अब इसी में थोड़ा सा और है एक बात, क्लोन्स जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ऑफ स्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड ऑल्सो टू देयर पेरेंट्स, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट, उसी को तो क्लोन कहा जाता है। जब ऑफ स्प्रिंग एक दूसरे के समान होंगे और अपने पेरेंट के भी समान होंगे तो क्लोन्स कहलाएंगे। ये क्वेश्चन रहता है, यही सेंटेंस रहता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफ स्प्रिंग्स आर क्लोन, क्लोन्स आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल। क्लोन्स जो होते हैं ना एक दूसरे के समान होते हैं मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली भी, और क्लोन सपोज करो 10 है, एक क्लोन को हम लोग क्या कहेंगे, रैमेट कहेंगे, रैमेट। ठीक है, इतनी बात यहाँ तक हम लोग आ गए। अब हम लोगों को ये पढ़ना है मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन विधि से ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। पहला है बाइनरी फिशन, हम लोग इस सब का भी हम चार्टर बनाएंगे एक, और अभी इधर कंटिन्यू करेगा। ये फेवरेबल कंडीशन में होगा, जनरली सिंपल ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ वगैरह में होता है। एक अभी हम लोग उसमें प्रोटिस्टा में देखे थे, एक बॉडी एक सेल का ही बॉडी है, टूटकर दो भागों में बट जाता है, उसी को तो हम लोग कहते हैं दो बराबर का टूटना, दो बराबर भागों में टूटना, बाइनरी फिशन। पैरामेशियम कॉमन एग्जाम्पल इसका पैरामेशियम अमीबा है। मल्टीपल फिशन अनफेवरेबल कंडीशन में होगा, ये भी अमीबा में देखा जाएगा। बडिंग शरीर के ऊपर बड का फॉर्मेशन होगा, एक्सटर्नल बडिंग कहेंगे उसको हम लोग, और ये पाया जाता है ईस्ट में और हाइड्रा में। इंटरनल बडिंग गेम्यूल्स कहलाएगा, है ना, इसको गेम्यूल्स भी कहा जाता है। ये बॉडी के भीतर बड का फॉर्मेशन होगा, स्पॉन्जेज में देखा जाता है ये। कोनिडिया नॉन मोटाइल एक सेल का स्पोर है, जो कॉमन एग्जाम्पल इसका पेनिसिलियम है, ये चलता नहीं है। और जू स्पोर्ट्स नाम इसका, जू मतलब होता है एनिमल्स, एनिमल्स चलते हैं, इसलिए ऐसा स्पोर जो चलता है जू स्पोर, नहीं चलता है तो कोनिडिया। हिप्नो स्पोर, ए प्लानो स्पोर, कई तरह के स्पोर हैं जो नहीं चलते हैं, इसमें कॉमन एक है यहाँ पर कोनिडिया, ये क्लेमाइडोमोनस में देखा जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग। और इसके बाद आ जाएगा वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, इसका अर्थ होता है कि कोई किसी भी जीव के बॉडी से अगर रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है, बॉडी के पार्ट से, बॉडी का पार्ट टूट गया या वो पार्ट से दूसरा वही ऑर्गन, दूसरा ऑर्गनिक बन जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगुल्स, जो अभी आगे कंटिन्यू रहे। इसका डिटेल हम लोग भी एक और चार्ट बनेगा बनाएंगे हम लोग, और फिर इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। तो इस तरह अभी जो पढ़े हम लोग, इम्पोर्टेंट बात था लाइफ स्पैन चार बातों पर निर्भर करता है, लाइफ स्पैन चार स्टेजेस से गुजरता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर याद रखना पड़ेगा, और ए सेक्सुअल का प्रोडक्ट जो होता है वो एक दूसरे के समान भी होता है और अपने पेरेंट के समान भी होता है, जिसको क्लोन्स कहेंगे। और फिर मेथड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका हम लोग डिटेल आगे फिर पढ़ेंगे। तो चलिए फिर हम लोग आगे मिलते हैं, ठीक है, थैंक यू।